मैं कम से कम 12 से 14 ब्रांड साइन किया हूँ, बड़े बड़े ब्रांड साइन किया। विवेक जब से आए हैं, मैं पहले ब्रांडिंग नहीं करता था, भोजपुरी के लोगों को ब्रांड में कहाँ ले गए। लेकिन आज रूपा से लेकर, सरिया से लेकर, टीबी पियाजियो से लेकर, बड़े बड़े दवाई से लेकर, डाबर से लेकर, मैंने कम से कम 15 से 20 ब्रांड मैंने साइन की। और विवेक बहुत मेहनती है, पढ़े लिखे हैं, पेपर यही देखते हैं, एगो पेपर यह देखे थे जिस पेपर से हम आज तक नहीं निकल पाए हैं, अब कब निकलेंगे भगवान। लेकिन वो भी हमारे भाई हैं, आज नहीं तो कल। देखिए जो चीजें बैठ के हो सकती है वो कोर्ट कचहरी से नहीं होती, और मैं इसका समर्थन हमेशा करता हूँ कि बैठ कर ऊपर नीचा करके सबको मिला के चलना चाहिए। तो पेपर ठीक से देखा करो। थैंक यू भैया, मतलब वो पेपर तो मैंने देखा था, आपने साइन किया। हमारा अगला गाना कब आएगा? हमारा अगला गाना 5 या 6 तारीख को आएगा, फिर से बनारस में, और फिर से लॉन्च करेंगे, और साइज में आप लोग गंगा किनारे बुलाएंगे लॉन्च करेंगे। एक चीज और बताते हैं, इनको हम लोग, इससे पत्नी मेरा भाई है, उसको इनको टैलेंट बोलते हैं, ये व्यास बोलते हैं, अपना टैलेंट व्यास हीरो, क्योंकि पवन बाबा हीरो बोलते हैं, जो हमारे हिंदी भैया बड़े भाई हीरो बोलते हैं, हीरो व्यास भैया और टैलेंट, ये एक्चुअली बहुत मेहनती है। और जो आप लोग की शिकायत थी भैया ने बहुत अच्छे से बताया, फ्रॉम नवम्बर से लेकर अभी तक अप्रैल तक, आज भी ये ओबरा से सुबह है जबकि इनको कलरास में आना था, कल भी हम लोगों ने गाना शूट किया जो कि ओबरा में करना पड़ा हमारे, वो गाना आप लोगों को 12 तारीख को रिलीज होएगा, उसके बाद आप लोगों को 14 तारीख को रिलीज होगा, उसके बाद आप लोगों को 18 तारीख को रिलीज होगा। तो जितने बाकी लोग हैं इसी डेट पे अपना गाना रिलीज कर लीजिए। और बाबा मुझे आपके चैनल का एक्चुअल स्क्रीनशॉट नहीं, एक्चुअल वीडियो देखना है कि आपने कितना एड लगाया है, और 2:30 बजे दोपहर में उस किस घंटे पे, कितने घंटे पे चल ये सब मत दिखाइए। प्रूफ को जरूरत उसकी होती है जिसकी कोई पहचान नहीं है। प्रूफ की जरूरत उसे होती है जिसकी कोई पहचान नहीं होती, हम तो खुद ही शेर हैं। इस इंडस्ट्री में 1-2 लोग हैं जिनको प्रूफ की जरूरत नहीं है, अब आप भी समझते हैं। अब फिर तो लोग आगे देखे सारी बाकी लोग खत्म कर दिया, सबका अपना स्टाइल है, अपना अपना व्यूअर है, अपने अपने लोग हैं, सब लोग सबको प्यार करते हैं। और थैंक यू लव यू सबको। और एक दो भाई हमारे कहाँ है, और हमारे एक भाई कहाँ है, रत्नेश, रिकू भाई और रत्नेश जी आगे, हमारे रिकू भाई जो कि जितने भी क्रिएटर हैं, हमारे जितने भी क्रिएटर रिंकू भाई और रत्नेश भाई के संपर्क में, इन लोगों की वजह से बहुत सारे रील बनते हैं। तो मैं आप रिंकू भाई को भी और रत्नेश जी को भी आपको ढेर सारी शुभकामना कि आप लोग ऐसे ही ऐसे ऐसे छोटे छोटे कलाकारों को बड़ा बनाने का काम करिए, और जितने भी आप लोग के अंदर टैलेंट है तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग भी हमारे वीडियो में काम करिए और अपना नाम करिए, हमारी कोशिश रहेगी आप सबके लिए। थैंक यू, आई लव यू टू। मीडिया थैंक यू, अभी रील्स वालों को आने